हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमने आलू पालक की सब्जी बनाई है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, उतना ही स्वादिष्ट ये बना हुआ है। अब किसी वक्त इसे बना करके लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर में आप इसे खा सकते हैं। इस तरह आलू पालक की सब्जी बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है नए तरीके से। चलिए आपको बताते हैं किस तरह बनाया जाता है आलू पालक की सब्जी। बने रही है पूजा ब्लॉग्स में। ये पालक को हमने इस तरह से कट कर लिया है। आज हम पालक की सब्जी बनाएंगे। स्पाइन डाल के अच्छे से इसे उबाल लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा हमें नहीं उबालना है। जब तक ये उबल रहा है तब तक हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। हम नए तरीके से बनाएंगे पालक की सब्जी, आलू पालक की। देखिए, हमने 4 आलू को छील के ले लिया है, इसे कद्दूकस कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, इसे हमने कद्दूकस कर लिया। इसको अच्छे से धो लेते हैं ताकि इसका सारा स्टार्च जो है निकल जाए। ये देखिए, अच्छे से हमने इसे धो लिया है। इसमें हम 2 चम्मच बेसन को डाल देंगे इस तरह से, और चावल का आटा भी हम 2 चम्मच डालेंगे इसमें। ये देखिए इस तरह। इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे, स्वाद के हिसाब से नमक। इसमें हम बेसिक मसाले डाल देंगे, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्चा पाउडर, हल्का सा दालचीनी पाउडर डालेंगे जिससे अच्छा लगेगा टेस्ट इसका, और थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे क्रश करके। और इसमें हींग डाल देते हैं इस तरह से, और चाट मसाला, इन सबको डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी थोड़ा भी नहीं डालना है, कर लेते हैं अच्छे से। देखिए, हो गया हमारा। ये देखिए, अगर आपको लगे कि यहाँ गीला है तो थोड़ा और अभी आप इसमें बेसन डाल सकते हैं। चलिए, इन्हें हम छान लेते हैं, पकौड़ी जैसा बना लेंगे। देखिए, तेल गर्म हो गया, एक एक करके हम इस तरह से डाल देंगे। मैं बहुत बार आलू पालक की सब्जी खाई होंगी, इस तरह से एक बार जरूर बना करके खाइएगा, आपको पसंद आएगा नए तरीके से। सभी को हम इस तरह से डाल देंगे। देखिए, इसे ब्राउन होने तक दोनों साइड से अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से पलट लेते हैं। देखिए, मीडियम आंच रखना है हमें, तेज नहीं रखना है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। देखिए, जब फ्राई हो रहा है तब तक हम पालक को पीस लेते हैं। अच्छे से पानी इसका निचोड़ लीजिएगा, उसके बाद ही पीसिएगा, नहीं तो भूनने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए, हो गया। इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में इस तरह से, सभी को निकाल लेंगे। अब पालक को हमें दरबरा पीसना है, एकदम बारीक हमें नहीं पीसना है, क्योंकि वैसे भी वो गल जाएगा। देखिए, इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा राई का तेल डाल देते हैं इस तरह से। देखिए, तेल गर्म हो गया, इसमें हम पचफोरन डाल देंगे, थोड़े से इसमें कड़ी पत्ते डाल देते हैं, इसमें मिर्ची डाल देते हैं। ये देखिए, सभी मसाले को हमने इस तरह पानी में घोट लिया है, इसमें डाल देते हैं सभी को इस तरह। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, इसमें हम थोड़ी सी दही डाल देंगे इस तरह से, 2 से 3 चम्मच, इससे अच्छा रहेगा ये। इस तरह से मिला देंगे अच्छे से, इसे अच्छे मिलाते रहेंगे क्योंकि ये फट जाता है दही। देखिए, इसमें हम डाल देते हैं पालक। इसमें देखिए, हमने प्याज को भी इस तरह से कट करके डाल दिया है, इसके साथ में मिक्स कर दिया है। अब प्याज, और देखिए, हमने पालक को एकदम बारीक नहीं पीसा हुआ है, इसी तरह रखेंगे 1 मिनट के लिए, और इसे भून लेते हैं पालक को, क्योंकि हमारा पालक भी पका हुआ है और हमारा आलू भी अच्छे से फ्राई है, हमें टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा इसे पकाने में। देखिए, इसे अच्छे से हमने भून लिया है। इसमें हम डाल देते हैं आलू की पकौड़ी। ये देखिए, आपने कभी इस तरह से बना करके आलू पालक नहीं खाया होगा, आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा इसमें सुगंध भी आ रहा है। ये देखिए, इस तरह अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए, मिक्स करने के बाद इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे इस तरह से। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालिएगा। देखिए, इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब 5 मिनट के लिए इसे ढक देंगे, और स्वाद के हिसाब से नमक डाल देते हैं इसे। स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाल देते हैं। देखिए, इस तरह से स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बस 5 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद हमारा तैयार हो जाएगा आलू पालक की सब्जी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, इस तरह ढक देते हैं और मीडियम आंच रखेंगे, तेज आंच पे नहीं पकाएंगे। ये देखिए, हमारा हो गया। कितना अच्छा लग रहा है देखने में हमारी सब्जी। इसमें देखिए, हम ढेर सारा धनिया पत्ती इस तरह से कट करके डाल देंगे बारीक। ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है सब्जी देखने में भी, और बहुत ही अच्छा इसमें सुगंध भी आ रहा है।
आप किसी वक्त इसे बना करके खाइए, नए तरीके से पालक आलू की सब्जी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तुरंत बना करके खाएंगे, इतना स्वादिष्ट ये सब्जी बनी हुई है। ये देखिए, देखिए इसके साथ में हमने रोटी भी बना ली है। ये देखिए आपको सब्जी हम दिखा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है आलू पालक की सब्जी। एक आपको पास से दिखाते हैं, ये देखिए कितना स्वादिष्ट बना हुआ है। आप किसी वक्त इस तरह से बना करके आप खा सकते हैं, बहुत जल्दी ये बन भी जाता है आलू पालक की सब्जी। इस तरह नए तरीके से बनाई है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।